नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। जहां मानखुर विधानसभा के इलेक्शन में आज जोरों पर है, वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को दादागिरी करते हुए हमारे मंगरू शाह ने उनका विरोध करने पर क्या प्रतिक्रिया हुई अबू आसिम की तरफ से, आइए बात करते हैं। सर आप बताइए क्या प्रतिक्रिया हुई उस बात? यहाँ कुछ आजमगढ़ के लोग आके दादागिरी कर रहे थे कि किसी और को वोट नहीं जाएगा, सिर्फ साइकिल को जाएगा। लेकिन यहाँ के लोग विट्ठल लोकरे साहब को जानते थे, वो दूसरी जगह के कारपोर्टर थे, हमारे मुख्तार भाई और वगैरह लोग जो भी कुछ काम पड़ता था जाके उनसे करा के लेते थे, लोगों को एक भरोसा था। तो ये लोगों ने कहा कि नहीं, हम धनुष बाढ़ पे ही देंगे, और लोग वोट देना चालू किए। बाहर के लोग आके सीधा धमकाना, गाली गलौज चालू कर दिए। मैं उनको समझाया कि भाई इलेक्शन में गाली गलौज नहीं होता है, और यहाँ से चले जाओ, यहाँ के रहवासी नहीं हो, यहाँ के वोटर खुद समझ लेंगे कि हमको किसको वोट देना है, कौन हमारे काम आएगा। जिसको हम वोट देंगे वो हमारे काम आना चाहिए। 10 साल से हम जिताते आए, कौम के नाम पे, जात के नाम पे, बड़े आदमी के नाम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन वो लोग गाली गलौज से ही बात कर रहे थे। परसों रात को रफीक नाम के लड़के को वार भी मारे वो लोग, मतलब समाजवादी पार्टी। यहाँ आने के बाद में मैंने बोला भाई गाली मत दो, लेकिन बोले तेरे को रहने का है कि नहीं बंबई में? तो मैं बोला क्या गोली मारेगा मुझे? हैं, यहाँ की फिर पब्लिक भड़क गई कि कत्ता ही नहीं। बोलो भाई मुख्तार भाई बताइए, यहाँ की पब्लिक बताइए, पब्लिक कैसा भड़की? सर आप बताइए क्या अबू आसिम का कितना लोगों के प्रति कितना दुर्व्यवहार रहा आज वोट को लेके? बहुत ज्यादा था सर, और वहाँ से आते साथ में उन्होंने गाली दे करके मंगरू भाई का नाम लेके गाली दिया, और उनके ऊपर जो है गए। क्या कारण था मंगरू भाई को गाली देने का? कोई कारण नहीं था सर, कारण यही था कि जो इन्होंने जो है दूसरे लोगों को रोका, और उसके लिए वो नाराज होकर क्या मतलब गुंडागर्दी को रोकने की कोशिश किया, इसके लिए उन्होंने गाली दिया। सर आप बताइए क्या कारण था अबू आसिम में लोगों को गाली, और लोगों को अबू आसिम के लोग धमका रहे थे, डरा रहे थे? बोलना चाहता हूँ, दो हजार नौ में जीत के आए, ईश्वर रानी साहब मिले थे, बहुत चंदे तो ये वादा किए थे, इसे मैं गंज रहा दूंगा 2009 में। वो भी मुस्तकिन बाबा की तरफ से खड़े रह के रात में, डेढ़ बजे रात में सकले ने दिखाया, बोले ये धुआं बंद करा दूंगा। तो 9 साल 2009 में मनमोहन साहब की सरकार आई, तो ये आवाज़ नहीं उठी, सीढ़ी वाले ने उठा के फेंका इधर, और रानी साहब ने इधर ला के बताया। उनकी नगर से वो आसमा थी, आसमा ने साइन है, आसमा की साइन है, यहाँ सब कुछ चला। 9 साल पैसा का है, आज 1 साल में 4 महीने के अंदर इलेक्शन आया, दो महीने में बीमारी नजर आ रही है, ये धुआं बंद नहीं हुआ, आपके सामने धुआं चलता है और रात में ऐसा धुआं निकलता है, और इनकी गुंडागिरी, इनके बाथरूम के अंदर नगर सेवक के अंदर गुटखा मिला, गुटखा माफिया डॉन, और ऊपर से धमकी आती है, फिर यहाँ बाहर जो वोटर वो आके धमकी देते हैं कि उठा ले जाएंगे, ये कर ले आएंगे, वो तो देखा जाएगा वह क्या है। तो हम भी नहीं है, मगर आज जो जब से इलेक्शन चालू हुआ है, जब से इनकी दादागिरी बहुत चालू है, और चौकी ने जाओ केस करने तो दूसरा बन जाता है, नहीं भी रहने वाला बन जाता है। तो नहीं आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कहा है कि जान से मरवा दूंगा, बम्बई में रहने नहीं दूंगा, थोड़ा खतरा तो है लेकिन जनता मेरे साथ है। सर उसके खिलाफ आपने अभी तक पुलिस स्टेशन में क्या कार्रवाई की? क्या है, मैं यहाँ वोटरों के साथ में रहा, और लोग मेरा साथ दिए, जो मुझे जवाब देना चाहिए था इतने बड़े आदमी को यहाँ की जनता ने बेइज्जत के साथ उसको भगाया, और सीधा बोला यहाँ से चले जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। तो मैं पब्लिक से ही खुश था, और यहाँ के वोटर जहाँ मैं कहा वो मेरे साथ चले अपने मर्जी से। तो आपको गोली मारने का ऐसा वो लोग ने आपने बोला है, उसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में अभी तक कोई शिकायत दर्ज की है? अभी तक मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं सोशल वर्कर के हिसाब से जनता के साथ में सोचा मैं थोड़ा टाइम रुकूँ, तो अभी 6 बजे के टाइम मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा कंप्लेंट देने के लिए। अब सरकार की जैसी मर्जी, जैसे मेरी मदद करे या ना करे, फिर भी सरकार पे भरोसा है, और मेरी पार्टी जो शिवसेना उसके ऊपर भरोसा है। ये थे मंगरू शाह, जिन्होंने अबू आसिम के लोग, और अबू आसिम ने खुद ही इनको जान से मारने की धमकी दिया था, और यही प्रतिक्रिया है कि लोगों को आज 10 साल के अंदर लोगों से इतना बड़ा रोष व्यक्त हुआ है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग गुंडागर्दी